हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सम पंप क्या होता है? सम पंप कितने प्रकार के होते हैं? सम पिट किसे कहते हैं? सम पंप क्यों जरूरी है? सम पंप कहाँ लगाया जाता है? आज मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। वीडियो छोटी ही है लेकिन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली किसी से पूछा जाए सम पंप क्या होता है तो वो अलग से नहीं बता सकते हैं और ये भी नहीं बता पाते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कौन सा लगाया जाता है। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड वीडियो में बने रहिए अंत तक। फ्रेंड जैसा मैंने लिखा हुआ है सम्प पंप, सबसे पहले हम यही जानते हैं व्हाट इज सम्प पंप, सम्प पंप है क्या। अब सम्प पंप जानने से पहले ये जानना पड़ेगा सम्प क्या होता है और सम्पिट क्या होती है। फ्रेंड देखिए, सम्प माने होता है, अगर हिंदी में अर्थ सम्प का करा जाए तो उसको बोलते हैं नापदान। नापदान मीन्स नाली का पानी या जो घरों में वेस्ट वाटर बचता है, जो गंदा पानी रहता है, वो जो जहाँ इकट्ठा किया जाता है उसको सम्प पिट, यानी जहाँ नाली का पानी आके इकट्ठा होता हो उसको कहते हैं सम्प पिट। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा सारा बेसमेंट रहता है बिल्डिंग का, बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कॉर्नर पे पूरा स्लोप हल्का सा दे करके और वहाँ एक गड्ढा बना दिया जाता है 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर गहरा, और उसमें जो है एक पंप लगा दिया जाता है। तो वो जो गड्ढा बनाया जाता है जिसमें साइडों से जितना धुलाई का पानी या थोड़ा बहुत लीकेज या जैसा भी पानी उसमें आके इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं गड्ढे को सम्प पिट। सम्प मीन्स नाली का पानी, और नाली या पतनाला जो भी है, चाहे बारिश का पानी उसमें आ सकता है, और पिट मींस गड्ढा, यानी सम्प पिट बोलते हैं उसको, और जो उसमें पंप लगाया जाता है उसको बोलते हैं सम्प पंप। सम्प पंप मतलब जो नाली का पानी या वेस्टेज पानी, या आप कह सकते हैं कि बेसमेंट के अंदर जो गड्ढा बनाया जाता है, जो सम्प पिट बनाई जाती है उसमें जो पंप लगाया जाता है उसको कहते हैं सम्प पंप। अब फ्रेंड बात उठती है कि सम्प पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों से कभी पूछा है इंटरव्यू लेते हुए भी, और मुझसे भी एक आध बार पूछा गया है, और कमेंट में भी किसी ने पूछा है मेरे से कि भी सम्प पंप क्या होता है, सर सम्प पंप के बारे में बताइए। तो मैं आज उसी पे विशेष प्रकार से बता रहा हूँ। देखिए, नॉर्मली हम ये नहीं जानते कि सम्प पंप कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड सम्प पंप 6 प्रकार के होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि 6 प्रकार के सम्प पंप, आप बोले सर सम्प पंप तो एक ही होता है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। 6 प्रकार के होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग और अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग अलग अलग लगाए जाते हैं, ठीक है। आपने जो देखा है वो भी मैं आज बताऊंगा, और कौन सा सबसे अच्छा होता है वो भी बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, मेरा दूसरा है इसमें टाइप ऑफ सम्प पंप। फ्रेंड मैंने यहाँ 6 प्रकार के लिखे हुए हैं। नंबर 1 पेडेस्टल, समर्सिबल, इफ्लुएंट, बैटरी बैकअप, कॉम्बिनेशन और वाटर पावर्ड सम्प पंप। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेडेस्टल। फ्रेंड पेडेस्टल का आपने पहले तो नाम नहीं सुना होगा, और सुना होगा तो आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये रेयर में यूज होते हैं और ये पहले यूज होते थे, अब नहीं होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ही बिल्डिंग में यूज नहीं होते, ये नॉर्मली जो घर होते हैं छोटे छोटे उनमें यूज होते हैं, ठीक है। तो पेडेस्टल पंप कैसा होता है आइए मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड मैं साथ साथ में इमेज भी दिखा रहा हूँ आपको, जिससे इमेज में ये पता चल जाए कि पेडेस्टल पंप कैसा दिखता है आपको। ओरिजिनली मैंने यहाँ एक ड्राइंग भी बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेडेस्टल पंप कैसा होता है। देखिए फ्रेंड, पेडेस्टल पंप में 2 खास बात होती हैं कि पेडेस्टल पंप में ये जो है, एक तो आप जो ये देख रहे हो, ये मैंने बनाया हुआ है पंप, क्या है ये है पंप, और फ्रेंड पंप को ये है शाफ्ट, ठीक है, ड्राइवन शाफ्ट बोलते हैं, और ये है मोटर, ठीक है। और फ्रेंड ये इसमें एक आप हैंगर कह सकते हैं या स्विच कह सकते हैं, दोनों चीज है। इस हैंगर के थ्रू ये जो है, यह है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का क्या काम है फ्रेंड, ये क्या करता है, ये पानी में ऐसे जब जिस समय इसमें पानी नहीं होता है, मीन्स पानी का लेवल यहां तक होता है, तो उस समय ये नीचे की स्थिति में होता है, इस तरीके से नीचे होता है। तो इसमें एक ये मानिए कि इलेक्ट्रिकल वायर जो इसका कनेक्ट है, ये वायर है इसका, ये इसमें कनेक्ट होके आता है, यानी इसके थ्रू आता है। मीन्स क्या है फ्रेंड कि ये जिस समय नॉर्मल स्थिति में नीचे रहेगा तो ये एनओ रहेगा, यानी ओपन रहेगा, जिस समय पानी जो है वो नीचे के लेवल यहाँ तक भरा रहेगा, ठीक है। जैसे ही पानी में ये डूबेगा तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये ऐसे घूम जाएगा, और जो ये स्विच अभी एनओ है वो इसमें एनसी हो जाएगा, ये टच कर जाएगा, और ये जब आपस में मिल जाएगा तो सप्लाई इसमें जाने लगेगी, सप्लाई जाने लगेगी, ऑन हो जाएगा। तो यही काम है फ्लोट स्विच का। तो ये फ्लोट स्विच के बारे में भी किसी ने कमेंट में मेरे से पूछा था, तो ये सप्लाई है, तो ये सप्लाई तो हमेशा कनेक्ट रहेगी और ऑन रहेगी। अच्छा, इसमें दूसरी खास बात क्या रहती है फ्रेंड कि ये जो इसमें पंप होता है, ये पंप पानी में डूबता है, मोटर पानी में नहीं डूबती, तो मोटर के जलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाते हैं बहुत कम। इसमें क्या है,
पंप ही पानी में डूबा रहता है, और जो पंप से इसमें सक्शन तो यहाँ है नीचे, आप देखेंगे ये सक्शन है नीचे की साइड में, यहाँ से पानी सक करेगा और सक करने के बाद ये जो है यहाँ से डिस्चार्ज करेगा, यहाँ से क्या करेगा पानी डिस्चार्ज। तो इसमें एक नली फिट कर देते हैं या पाइप फिट कर देते हैं जो ऊपर जाके बाहर निकल दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने गड्ढे में लगाया तो गड्ढे से पानी बाहर निकालना है, सीवर में डालना है, नाली में डालना है, या घर से बाहर डालना है, तो वहाँ से वो पाइप लगा करके बाहर कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो है पेडेस्टल। ठीक है, आप जान गए होंगे कि ये पेडेस्टल पंप क्या होता है। तो पेडेस्टल पंप ये है, पंप नीचे है और मोटर इसके ऊपर है, मोटर कभी भी पानी में नहीं डूबती, तो मोटर के जलने के चांसेस भी कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो बाकी पंप होते हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी में जब रहते हैं मोटर के साथ तो मोटर में नमी आ जाती है या सील कट जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो पानी जाने की वजह से वो जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड सबमर्सिबल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है ये आप कह सकते हैं, मैं इसको VIP लिख देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये मोस्टली यूज होता है फ्रेंड, आपने यही देखा है। ठीक है, कौन सा वाला देखा है, ये समर्सिबल पंप आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा, सम पंप में लगा हुआ तो ये लगाया था। समर्सिबल पंप में क्या होता है फ्रेंड, ये शाफ्ट नहीं होती, ठीक है, वो डायरेक्टली पंप जो होता है मोटर पे ही जुड़ा हुआ होता है और कॉम्बाइंड होता है। तो ये तो पेडेस्टल फैन है, पेडेस्टल पंप है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो सम पंप जो समर्सिबल होता है, समर्सिबल क्या है, उसमें मोटर और पंप एक साथ जुड़े रहते हैं, और समर्सिबल की दूसरी खास बात यह है कि समर्सिबल जो है पिट के अंदर पानी में रहता है। ठीक है, पानी में रहता है, तो जब पानी में रहेगा तो मोटर के साथ रहेगा फ्रेंड, तो उसका जो सील होता है हर्मेटिकली सील्ड होता है, मतलब वो वाटर प्रूफ होना चाहिए कि उसमें नमी ना जाए, अगर गलती से भी वाटर चला गया, कहीं से सील कट गई या कुछ हो गया तो वो जल जाता है। ठीक है, तो उसकी ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है, और दूसरी चीज उसका बेनिफिट भी है कि समर्सिबल पंप जो होते हैं वो इन पेडेस्टल पंप से, जो पहले वाला है ये पेडेस्टल पंप, इनसे साइलेंट होते हैं, मींस वो शांत चलते हैं, क्योंकि वो पानी में डूबा रहता है और गड्ढे में रहता है तो वो आवाज़ नहीं करते, ये पेडेस्टल वाले आवाज़ करते हैं, क्योंकि किसी मोटर ऊपर रहती है तो ये महसूस ज़्यादा देते हैं, ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि फ्रेंड ये सस्ते होते हैं और समर्सिबल पंप महंगे होते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटी में भी छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के नहीं लगाए थे, समर्सिबल 7.5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP तक आप बड़े भी और भी बड़े बड़े लगा सकते हैं, वो अवेलेबल हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपने मोस्ट प्रोबेबली कौन सा देखा है, समर्सिबल पंप, जितने भी देखे हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड, तीसरा नंबर है इफ्लुएंट पंप। ठीक है, इफ्लुएंट दो प्रकार के आते हैं, एक इफ्लुएंट आता है और एक आता है सीवर के लिए, या जिसको हम फ्रेंड कटर पंप भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल समर्सिबल जैसा ही होता है देखने में, आप इसको डिफरेंट नहीं पता कर पाओगे नॉर्मली अगर आप ऊपर से देखते हो। होता क्या है कि जो इसका पंप रहता है, यानी नीचे का जो पार्ट रहता है पंप, उसका जो इम्पेलर रहता है उसमें फ़र्क होता है। जो नॉर्मली समर्सिबल होते हैं उसका इम्पेलर सिर्फ इस प्रकार डिजाइन होता है कि वो पानी को उठा के बाहर कर दे। ठीक है, लेकिन जो इफ्लुएंट पंप का इफ्लुएंट पंप का इम्पेलर डिजाइन होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो जो है नीचे से मडी वाटर को भी, यानी जो इफ्लुएंट है या ग्रे वाटर है या मडी वाटर है, उसको भी बाहर निकाल सके इजीली, वो स्टक ना करे उसमें और वो फंसे ना, उस पर लोड ना माने। ठीक है, इफ्लुएंट आप कह सकते हो कि इफ्लुएंट पंप का जो इम्पेलर रहता है वो थोड़ा शार्प रहता है। अब इसमें तीसरा आता है फ्रेंड, दूसरा आता है सीवर, सीवर को उठाने के लिए या सीवेज वाटर को उठाने के लिए, या उसको कह सकते हैं हम कि कटर पंप बोलते हैं हम उसको। तो उसकी क्या कैपेसिटी होती है फ्रेंड, सीवेज पंप की या कटर पंप की, दोनों, ये सीवेज पंप इफ्लुएंट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये सीवेज इफ्लुएंट वाला सीवेज में जल्दी नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कटर पंप यूज किया जाता है इफ्लुएंट में भी और सीवर में भी। वो कैसा होता है फ्रेंड, उसका जो इम्पेलर होता है उसका इम्पेलर शार्प होता है और इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो लगभग 2 इंच 2.5 इंच मोटे सीवेज को, सॉफ्ट सीवेज को, उसके साथ साथ जो टॉयलेट पेपर होता है उसको भी काट के निकालने में सक्षम होता है। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सॉफ्ट मिट्टी भी है उसकी लिक्विड टाइप में, या गाड़ी है, स्लरी है, तो वो भी वो बाहर करने में क्षमता रखता है और वो उसमें फंसता नहीं है, तो इसलिए उसको सीवेज पंप कहते हैं या कटर पंप कहते हैं, जो सीवर में या इफ्लुएंट में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जान गए। चौथा नंबर है फ्रेंड बैटरी बैकअप पंप। ये भी बैटरी बैकअप पंप। अब ये पंप फ्रेंड कोई सा भी लगाया जा सकता है, लेकिन बैटरी बैकअप के साथ होते हैं। मींस कहने का ये है कि ये बैटरी चालित पंप होते हैं। दूसरी खास बात इनमें ये है कि ये फ्रेंड 1.5 किलोवाट से और 3 किलोवाट तक के नॉर्मली लगाए जाते हैं। कितने? 1.5 किलोवाट से
तीन किलोवाट के, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। अच्छा, ये लगाया कहाँ जाता है? अब आप जैसा कि नाम से देख रहे हो, बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप का मतलब हो गया फ्रेंड, ऐसी जगह ये लगाया जाएगा जहाँ या तो बिजली ना हो, ठीक है। लेकिन अगर बिजली नहीं होगी तो आप बोलोगे कि बैटरी कैसे चार्ज करोगे? फ्रेंड, वहाँ ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसी है कि भाई 24 घंटे हमें वो पंप ऑन रखना है। तो अब हम जनरेटर चलाया, हमने मान लीजिए दिन में हम काम करते हैं, रात को नहीं करते हैं, जनरेटर चलाया, जनरेटर चलाने के बाद वो उस समय बैटरी चार्ज हो गई, और उसके बाद हम नाइट में छोड़ जाते हैं चलता हुआ, तो वो नाइट की सेफ्टी के लिए, जैसे दिन में बंदे काम करते हैं रात में नहीं करते, तो उसके लिए बैटरी बैकअप वाला लगाया जाता है, यानी जनरेटर से हम चार्ज कर ले जहां बिजली की अवेलेबिलिटी ना हो। अगर दिन में है तो वो बैटरी बैकअप पे आप जब बिजली से भी चल सकता है, लेकिन वो छोटी पिट है या छोटा जगह है, आप जैसे देखिए आप 1.5 किलोवाट से 3 किलोवाट का, तो छोटी जगह है या घर में है या कहीं ऐसी, मान लीजिए कोई क्रिटिकल ऐसी लैब है या ऐसी जगह कि वहाँ जो है पानी किसी भी सूरत में आना ही नहीं चाहिए कभी भी, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए पानी से बैटरी बैकअप पंप लगाया जाता है कि यहाँ जो है किसी भी सूरत में पानी ना भरे, और ये हमेशा वहाँ लगाया जाता है जहाँ बिजली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब इससे अगला पांचवा है फ्रेंड, कॉम्बिनेशन सम्प पंप। कॉम्बिनेशन सम्प पंप भी वही लगाए जाते हैं जहां इमरजेंसी होती है कि भाई किसी भी सूरत में पानी यहां भरना ही नहीं चाहिए। अब मान लीजिए बेसमेंट में या कोई ऐसा क्रिटिकल जगह है जहां हम बेसमेंट में मैन पावर रह रही है और आप डे नाइट रहते हैं, या बेसमेंट में आपने घर बना रखा है तो बेसमेंट में आपका पूरी तरह से सामान वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे कि नॉर्मल समर्सिबल पंप लगाओगे और उसके साथ एक बैटरी पंप लगाओगे। जब हम इन दोनों को साथ साथ लगाते हैं तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन सम्प पंप, यानी समर्सिबल को भी लगाएं और बैटरी बैकअप के साथ भी लगाएं पंप दूसरा, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सम्प पंप, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन सम्प पंप में समर्सिबल तो नॉर्मल में चलेगा, ठीक है, जब तक लाइट है या डीजी चल रहा है या अल्टरनेटर चल रहा है या कुछ भी ऐसे बिजली उपलब्ध है तब तक तो ये चलेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन में जो बैटरी बैकअप है वो हमेशा उस केस में चलेगा जिस समय लाइट ना हो। मान लीजिए पानी भरना शुरू हो गया और हमारी सप्लाई ट्रिप कर गई, तो वहाँ क्या करेंगे हम? तो हमें वो खाली करना ही है इमरजेंसी में। बारिश तो बिजली के लिए नहीं रुकेगी ना फ्रेंड, अगर नहीं है लाइट या डीजी फेल हो गया, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए बैटरी बैकअप पंप लगाया जाता है और उसे हम बोलते हैं जब दोनों लगे होते हैं तो कॉम्बिनेशन सम पंप, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, डाउट है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। लास्ट छठा नंबर है वाटर पावर्ड सम्प पंप। फ्रेंड ये आपने नहीं सुना होगा और ये शायद आपने देखा भी ना हो, मैं कहता हूँ ये किसी बंदे ने नहीं देखा होगा, ये वाटर पावर्ड सम्प पंप। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, आप जरा देखिए। फ्रेंड जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये लिखा वाटर पावर्ड पंप, ये है छठा नंबर। फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा जो सॉफ्टनर होता है, सॉफ्टनर में जो हम नमक चढ़ाते हैं ना, साल्ट चार्ज करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ होता है। जो नमक चार्ज करने के लिए हम जेट पंप जेट सिस्टम यूज करते हैं, तो या वेंचुरी मीटर बोलते हैं उसको, वो सिस्टम यूज करते हैं, वही यहाँ यूज किया जाता है। और कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखिए ये सबसे पहली बात फ्रेंड क्या होता है, जो वाटर पावर्ड पंप होता है इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। खास बात इसकी यही है, इसको बिजली की भी ज़रूरत नहीं है, बैटरी बैकअप की भी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ऐसी कंडीशन है कि बैटरी बैकअप या कुछ नहीं है, या हम चाहते हैं कि हमारे बिजली ना जले या बिजली हम इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहते, तो वहाँ ये लगाया जाता है। और ये चलता कैसे आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। फ्रेंड ये क्या है, ये एक पंप है, इस तरीके का डिज़ाइन होता है इसका। तो यहाँ से देखेंगे ये क्या है, जो म्यूनिसिपल वाटर होता है, हुडा वाटर होता है, या जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई करती है, या जो टंकी से आता है, जो ऊंची ऊंची सिटी में टंकी लग रही है उससे जो पानी आता है, तो उसमें भी कुछ प्रेशर होता है पानी का, ठीक है। मान लीजिए वो 50 मीटर की टंकी से आ रहा है, 60 मीटर तक उसकी ग्रेविटी उसमें प्रेशर होता है, और वो जब पानी आता है उसके द्वारा ऑपरेट होता है। तो फ्रेंड जो म्यूनिसिपल वाटर, आप मैं लिख देता हूँ यहाँ म्यूनिसिपल वाटर, तो ये म्यूनिसिपल वाटर से ऑपरेट होता है, ठीक है, जो जिसका कनेक्शन यहाँ हो जाएगा, जो म्यूनिसिपल वाटर का है जो बाहर से सप्लाई आ रही है पानी की, उसका कनेक्शन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये पानी जाएगा। अब ये फ्रेंड ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये सारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड होता क्या है कि ये जब पानी यहाँ आएगा तो ये वाल्व ऑटोमेटिक सोलेनाइड और ये सब लगा हुआ है, ये फ्लोट सिस्टम भी लगा हुआ है। तो जब देखिए, अब मान लीजिए पानी तो आ रहा है, तो ये वाल्व जो सोलेनाइड सिस्टम है ये तब खुलेगा जब हमारा फ्लोट वाल्व नीचे, मतलब पानी जो है हमारे उसमें भरा होगा और फ्लोट वाल्व हमारा ऊपर की साइड हो जाएगा। जब फ्लोट वाल्व की पोजीशन ये हो जाएगी ऊपर की साइड, तो इतना वायर ये ऊपर की साइड हो जाएगा, यानी ये टाइट रहता है तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो यहाँ जो सोलेनाइड वाल्व है ये खुल जाएगा और ये पानी आगे जाने लगेगा।
और जब यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा और ये वाल बंद हो जाएगा, तो इसके थ्रू पानी नहीं जाएगा, मींस म्यूनिसिपल वाटर का भी वेस्टेज नहीं होगा। तो ये इसमें होता है फ्लोट सिस्टम, ठीक है, जो यहाँ से कनेक्ट रहता है। अब होता क्या है, मान लीजिए जब पानी भरा है तो ये ऊपर की साइड में इस कंडीशन में होगा, तो ये इस कंडीशन में होगा तो ये वायर ऊपर जाएगा, यानी यहाँ सोलेनोइड वाल्व या वाल्व खुल जाएगा। जो भी सोलेनोइड कहते हैं फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटर होता है, लेकिन मैकेनिकल सिस्टम है तो उसको सोलेनोइड नहीं कह सकते हैं, वाल्व कह सकते हैं जो मैकेनिकली ऑपरेटेड है। तो इसके जैसे ये वाल्व खुलेगा, जो ये पानी है, तो ये पानी आगे जाएगा। जब पानी आगे जाएगा तो यहाँ से फ्रेंड ये जेट प्रेशर की तरह काम करेगा, और जो पंप है, सम पंप का जो मेन वाटर है, देखिए ये इसमें चेक वाल्व लगा है, ठीक है, चेक वाल्व मीन्स लाइन खाली ना हो, एयर ना ले, तो ये चेक वाल्व लगा हुआ है और ये इतना डूबा रहता है नीचे का। इसमें क्या है, ये जाली टाइप की लगा दी जिससे मट्टी या सॉलिड या ऐसी चीज़ ना आए, ठीक है, फिल्टर लगा होता है। तो ये क्या है, ये कनेक्शन पाइप है जहाँ हम एक थ्रेड से या किसी भी प्रकार से फ्लैंज से ये हम टाइट कर देते हैं, ये अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उसमें क्या है, अब ये कनेक्ट हो गया है नीचे वाले पोर्शन में। तो फ्रेंड ये क्या होता है, यहाँ से पानी मेन वाला ये वाला जाना है इसके थ्रू। तो जब ये पानी आएगा, ये पानी कम जाता है, जैसे ही ये यहाँ फोर्स के साथ, जेट के साथ, मीन जेट मीन्स नोजल के साथ, ये नोजल होला ऑरिफिक या नोजल बोलते हैं इसको, तो इसके द्वारा जब पानी आता है, तो फ्रेंड यहाँ जब ये पानी इसको कवर करता हुआ बाहर निकलता है जेट को, तो फ्रेंड यहाँ क्या है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ये बहुत तगड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये सक करता है, जब सक्शन करेगा तो ये सारा पानी यहाँ से ऊपर की तरफ चल देगा और चेक वाल्व ऊपर की तरफ खुल जाएगा, इतना प्रेशर हो जाता है इसमें, और ये क्या है, इसके साथ साथ बाहर निकल जाएगा। इसी विधि से हम जो है नमक चढ़ाते हैं सॉफ्टनर में, ठीक है, सॉफ्टनर में भी सेम सिस्टम रहता है और नमक चढ़ाते हैं जैसे, और मैंने थोड़ा बारीकी से बनाया है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से म्यूनिसिपल वाटर आया, ठीक है, जब ये नोजल के थ्रू निकलेगा तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये फुहारे की तरह हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये पूरा कवर कर लेगा इसको, यानी इसको पाइप को पूरा कवर कर लेगा। एक तरह से सोचो कि यहाँ जो है ये हमने जो है एक ये मान लीजिए ऐसा कि हमने यहाँ जो है एक वाल लगा दिया, वाल मीन्स जो नल में रहता है, या एक शाफ्ट लगा दी और यहाँ एक शाफ्ट लगा दी जो बार बार इसको बाहर की तरफ खींच रही है। तो ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग की तरह, अगर बार बार खींचेगा तो पीछे भी आएगा, मगर ये पीछे आना ही नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या कर दिया कि ये प्रेशर जेट लगा दिया। तो यहाँ से जब ये पानी जाएगा फोर्स से, तो पानी क्या है, पानी तो बाहर निकलेगा प्रेशर से। अब यहाँ सक रहा है तो ये मुंह को तो इसके बंद करके, यानी इसमें जो है जब ये सारा पानी बाहर निकलेगा प्रेशर से, तो अंदर जो है ये वैक्यूम यानी जो एयर होगी उसको भी सक करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। फ्रेंड जब वैक्यूम क्रिएट करेगा पीछे से, तो ये सारा वैक्यूम जो पानी यहाँ से नीचे से आने वाला है सम्पिट से, जो यहाँ से पानी आएगा ये उसको भी खींचेगा, वैक्यूम करेगा। तो ये तो सील्ड है सारा, तो यहाँ से वैक्यूम क्या है, नीचे से खींचेगा पानी को, इस पानी को भी इसके साथ लेके चला जाता है सॉफ्टनर में। यहाँ से क्या आता है, नमक का घोल, ब्राइन, ठीक है, और हम पंप लगा देंगे, ये मतलब नीचे लगा देंगे, जैसे ये सेम ऐसी सिस्टम है जैसे सम उसमें भी क्या होता है, जो सॉफ्टनर में चढ़ाते हैं तो उसमें एक टैंक लगा होता है, टैंक के जो ब्राइन बनाते हैं, नमक का घोल बनाते हैं, उसको खींच करके ये फिल्टर में चढ़ा देता है। तो सेम यहाँ से पिट जो रहेगी हम सम पिट, उसका पानी खींच करके ये यहाँ से हम बाहर कर देंगे, ये आउट हो जाएगा, ये डिस्चार्ज है इसको ये मान सकते हैं। तो फ्रेंड ये इससे पानी बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ पानी की ज़रूरत है, म्यूनसिपल सप्लाई का जो पानी हो रहा है उसी के थ्रू ये चल जाएगा। तो फ्रेंड जब ये पिट भरी हुई होगी, म्यूनसिपल वाटर आएगा, तो ये क्या है, इसको ऑन कर देगा और ये पानी निकल जाएगा उसी समय। और नॉर्मली आजकल क्या था, म्यूनसिपल वाटर सिटी में तो जो है टंकी बन जाती है तो 24 घंटे रहता ही है, थोड़ी बहुत देर के लिए नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मगर मैक्सिमम रहता है, तो ये उससे ऑपरेटेड होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट में बताइएगा, हो सकता है आप इनमें से कुछ एक या दो पंप के बारे में जानते हो, लेकिन सारे छह पंप के बारे में नहीं जानते होंगे। तो फ्रेंड अगर आप जानते थे या नहीं जानते वो भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।